थोड़ा हमारे कुंद्रा साहब छूट गए क्या? 27 तारीख तक हो गया उनको रिमांड, छूट जाएंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके एक बात बोलूं, आपको आपके शॉप में अगर पिज्जा मिलता है तो आप पिज्जा खरीदोगे, वड़ा पाव मिलता है तो वड़ा पाव खरीदोगे, है ना। तो उन जो लड़कियां आके बड़ी भारतीय नारी पहन के साड़ी पहन के बैठी हैं, हैं? हाँ, वो तो गलत बात है। उनके उनका बैकग्राउंड देखो, फिर किसी को जज करो, किसी को बदनाम करो, है ना। होता है तभी आवाज उनके घर पे 6 घंटा। क्यों राजकुंद्रा जी ने मुझे ऑफर नहीं किया? क्यों अन्य सीधी साधी लड़कियां हैं उनको ऑफर नहीं किया? शिल्पा जी भी वही बोल रहे हैं, क्यों नहीं किया आप बताइए। तो भैया जो आप शॉप में बेचोगे आपको वैसा ही ऑफर होगा। मैं एक परफॉर्मर हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक डांसर हूँ, जिनको मुझसे वीडियो करना है वो मेरे साथ वीडियो करेंगे, है ना। तो और दूसरी चीजें तो मैं करती नहीं हूँ। वीडियो मतलब डांस वीडियो करेंगे। हाँ। डांस वीडियो करेंगे छोटू जी, एल्बम छोटू जी हाँ, गलत तरीके से नहीं, इज्जत की रोटी खानी है, है ना। इज्जत की रोटी बहुत मीठी लगती है। सब रियल है, मतलब बेहद दुख है राजकुंद्रा जी के लिए। कोई बात नहीं, वक्त एक जैसा नहीं रहता है और कोई किसी को राजकुंद्रा जी को कोई जज ना करे। जब अपने अपने पर जो बीतती है ना तो उसका दुख मनाना चाहिए, ना कि दूसरों पे हंसना चाहिए। शिल्पा जी भी बोले उनको मैं मेरी शिल्पा जी है, मैं मेरी शिल्पा जी को बहुत इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। और शिल्पा जी बिल्कुल मत सोचना, आप अपना जो डांस कर रियलिटी शो है ना, कौन सा डांस दीवाने, आप बिंदास करो, आप जाओ जजिंग करो। उनका पिक्चर भी आ गया ना हंगामा, हंगामा पूरा दुनिया देखेगा हंगामा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं। भाई साहब आप लोग क्यों खड़े हो? खड़े।